देख सकते हैं, मतलब बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक सभी आए हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं मतलब सुबह के 3, रात के भी बोल सकते हो और सुबह के भी बोल सकते हो, मतलब अभी 3 बज रहे हैं। और मतलब मैं जा रहा हूँ आज लंबी यात्रा पे, तो अभी बताऊंगा आपको आगे आगे चल के, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहना। और सबसे पहले तो ये रहे मम्मी, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। मम्मी आशीर्वाद दो और चलता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस आपको थोड़ा आगे जाके मिलता हूँ, मतलब सब पता चल जाएगा आपको, तो बने रहिए। तो गाइस अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, मतलब हम 3:30 बजे घर से चले थे और अभी बीच रास्ते में पहुंचे जहाँ पे मतलब प्रथम दर्शन होते हैं मतलब हमारे कैलाश के। तो अभी देख सकते हो यहाँ का इस तरह का कुछ माहौल है, देख सकते हो महादेव हमारे शिव शंकर कैसे मतलब कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ पे प्रथम कैलाश दर्शन होते हैं, देख सकते हो मतलब हमारे भोले शंकर कैसे बैठे हुए हैं। और यहाँ का माहौल काफ़ी अल्टीमेट है गाइस। और ये हमारी स्कूटी और ये हमारे सूरज भाई सामने। और गाइस मतलब काफी जल्दी भाई, कितने किलोमीटर कर लिया हमने सफर, कितने किलोमीटर कर लिया सफर है? 52। सो गाइस अभी मतलब 50 किलोमीटर हम आ चुके हैं मतलब, और बीच में रुके हैं यहाँ तक, कहीं पे भी नहीं रुके। और यहाँ पे मतलब प्रथम कैलाश दर्शन होते हैं, तो देख सकते हो आप भी मतलब दर्शन कर लीजिए, आगे आगे बहुत दर्शन करने हैं। और ये हमारे सूरज भाई, और भाई कैसी फीलिंग है फिर? जबरदस्त है ना, सुबह सुबह भाई आवाज भी नहीं निकल रही यार, जय भोले शंकर। तो फाइनली गाइस देख सकते हो मतलब शिव भूमि में भरमौर में एंट्री हो चुकी है, देख सकते हो गेट के पास पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी अल्टीमेट मोड है गाइस यहाँ का, यहाँ आके थोड़ा बहुत रश दिखा रहे हैं और बाकी रोड में तो कोई ट्रैफिक नहीं था, और यहाँ आके थोड़ा बहुत ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। देख सकते हो इस तरह का मोड है यहाँ का, और हमारे सूरज भाई राइडिंग कर रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी अल्टीमेट मोड है यार, गाड़ियाँ चली हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। चाचा जी शर्मा गए, पेशाब कर रहे थे बेचारे। तो गाइस देख सकते हो ये रहा पूरा भरमौर, मतलब भरमौर का इलाका है, देख सकते हो भरमौर में एंट्री हो चुकी है। और यहाँ आके हमें थोड़ा बहुत रश दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं, मतलब पीछे तो कुछ था नहीं ट्रैफिक उतना। तो गाइस सामने पहाड़ों का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अल्टीमेट लग रहा है यार। हाँ भाई क्या पहाड़ दिख रहे हैं यार, गाइस देख सकते हो काफ़ी अल्टीमेट जगह है यार। फाइनली गाइस यार अभी उस जगह पे पहुंच चुके हैं मतलब जहाँ से हमारी मंजिल शुरू होती है। मतलब सबसे पहले तो गाइस पार्किंग के लिए हम काफ़ी घिसे पेटे मतलब इधर उधर भागते रहे। और यहाँ का सबसे पहले तो आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ का मतलब माहौल देख सकते हो, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब गाड़ी लगाने के लिए, मतलब पार्किंग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रश है। देख सकते हो मतलब बीच में घुसा दिया हमने, कहीं बीच में जगह देख के अपने स्कूटी घुसा दी। और बाकी गाइस यहाँ का माहौल देख सकते हो, मतलब गाड़ियाँ काफ़ी दूर दूर तक लगी हुई हैं, देख सकते हो मतलब कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ। तो फाइनली गाइस मतलब हडसर से ऊपर पैदल यात्रा हमारी शुरू होती हुई, तो काफ़ी मज़ा आने वाला गाइस यात्रा में, काफ़ी मतलब वीडियो के एंड तक बने रहना है। और मतलब सब कुछ दिखाने वाला हूँ क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और काफ़ी मतलब न्यू एक्सपीरियंस रहने वाला है, तो जाते हैं बने रही ब्लॉग में। और गाइस देख सकते हो रास्ता कुछ इस तरह का है, और ये है मतलब जो जहाँ से हम हमारी शुरुआत होती है चढ़ाई चढ़ने की, और ये हमारे सूरज भाई। देखते हैं गाइस काफ़ी मतलब लंबा सफ़र है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है पूरे सफ़र में। और देख सकते हैं मतलब लोगों की कितनी भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये हमारे घोड़े, जय हो सूरज, जाएगा घोड़े खच्चर पे? पैदल जाएंगे भाई, पैदल यात्रा है। तो गाइस देख सकते हो कितना चलना, हमें जल्दी चलना, चल भाई जल्दी चल चल। क्या कर रहे हैं भाई, मुंह पे ही बोल दे रहा है सीधे। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, काफी मजा आने। तो गाइस सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि मतलब हडसर से जब ऊपर यात्रा चढ़ते हैं तो यहाँ पे मतलब घोड़े और खच्चरों का भी इंतजाम है, मतलब जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए स्पेशली। और सामने देख सकते हैं मतलब पानी किस तरीके से अल्टीमेट तरीके से चला हुआ है। और ये हमारे यात्रीगण, और ये हमारे सूरज भाई, और ये आपका भाई इधर कौन है भाई? होने भाई, वही बोलना चाहता हूँ कि अब कहाँ जा रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो यार? मणिमहेश जा रहे, तो पैदल जाए अपनी टांगों पे,
नहीं भाई, कई बार होता है कि कोई बंदा दर्शन करना चाहता है बट वो चल नहीं सकता, तो उसके लिए घोड़े खच्चर का इंतजाम है। सो गाइस देख सकते हो मतलब कितने जोशीले तरीके से यात्री यात्रा कर रहे हैं, और नंगे पैर वो भी देख सकते हो। करेगी मौज। गाइस थोड़ी देर चलने के बाद मतलब हमें इस तरह का नजारा कुछ सामने दिख रहा है, देख सकते हो कितना अल्टीमेट है सब कुछ, देख सकते सामने। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ पेड़ काफी अल्टीमेट लग रहे हैं गाइस, और मतलब ये पानी देख सकते हो कितना अल्टीमेट लग रहा है। और मतलब हमारे यात्रियों की तो कोई कमी नहीं है, भारी मात्रा में यात्री गण है, और ये देख सकते हो कितनी एनर्जी के साथ सभी चल रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस देख सकते हो मतलब पहाड़ हमारा आसमान कितना अल्टीमेट लग रहा है सब कुछ, एंड देख सकते हो मतलब बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक सभी आए हुए हैं, तो काफ़ी सही है देख सकते हो। और यहाँ का कुछ माहौल इस तरह का है देख सकते हो।